हमारी गुड़िया को नया ड्रेस पहना दिया उसके मौसी ने। ये देखो गाइस ट्रेन आ गया। हाय एवरीवन, फिर से मेरे नए ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम है दीदी के रूम पे, थोड़ी देर बाद दोपहर के लंच करेंगे। लंच करने के बाद जाएंगे बोंगाईगांव की जो स्टेशन है वही पर आज जाना पड़ेगा, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं बोरपट्टा रोड, हमारे खुद का घर जहाँ पर है गाँव के जो लोग है और हमारे घर के जो लोग है बहुत एक्साइटेड है हमारे गुड़िया को देखने के लिए। आज वही आप लोगों को दिखाएंगे। प्लीज आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस चलो आज की ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी ना थोड़े टाइम के लिए मैं ऊपर आ चुके हूँ, तो चलो अभी जल्दी जल्दी चलते हैं दीदी के रूम पे, लंच करते हैं फिर हम यहीं से निकलेंगे। तो गाइस हमारे गुड़िया सो गए थे और आकर देखिए कि वो उठकर खेले हैं पापा के साथ, तो अभी रोने लगी है। और सामने देखो दीदी खाना वगैरह बनाकर रेडी करके रखा है, तो अभी मिस्टर नहाएंगे, नहाने के बाद हम खाना खाएंगे। और इधर दीदी देख रही है मोबाइल, और हमारे गुड़िया को देखो कितना अच्छा लग रहा है। गाइस कल ये ब्लॉग अगर आप लोग देखे हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा, हमारे गुड़िया को नए ड्रेस पहना दिया उसके मौसी ने, है ना मम्मी। तो गाइस अभी देखो दोपहर की खाना, ये देखो गाइस दोपहर की खाना मैंने दे दिया। और अभी मिस्टर आएंगे, गुड़िया जी बैठ चुके हैं, ये जी देखता है। तो थोड़ी देर बाद हम इधर से निकलेंगे गाइस स्टेशन के लिए। तो चलो A few moments later. खेल रही है ये देखो, उसके पापा भी है। वनमोय सौरभ एक बार हाय बोलो, बाय बोलो, बाय बोलो, बाय बोलो, बाय। सौरभ इधर से क्या देख रहे हो आप लोग, बॉल की दे रहा। तो गाइस अभी मिस्टर जो बैग वगैरह है हमारे सामान वो निकल रहे हैं, और हमारी गुड़िया ये देखो मौसी के गोद में, और इधर देखो जीजा जी रेडी हो गया है। राम 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 राम। गाइस अभी हम पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि ई रिक्शा के लिए हम तो वेट कर रहे थे लेकिन ई रिक्शा मिला नहीं है। 3-4 ई रिक्शा मिली थी तो पूरा बुकिंग हो चुके थे एकदम, उधर से हम वेट कर रहे थे। तो इतने दूर हम पैदल आ चुके हैं और मिस्टर सामने जा चुके हैं, वो देखो एकदम सामने ट्रॉली बैग साथ में लेकर देखो। तो अभी हमें जल्दी स्टेशन पहुंचना है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 4:10 हो चुके हैं और ट्रेन है 4:30 में। तो चलो जल्दी जाने की कोशिश करते हैं, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी गाइस। वो देखो सामने मिस्टर, आप लोगों को एक बार जूम करके दिखा दूँ, वो देखो साइड में। फाइनली ई रिक्शा हमें मिल चुका है, अभी इसी ई रिक्शा से जाएंगे। चलो जल्दी चलो, जल्दी उठो, ये से हाक करो, हाक गले लगाओ। हाँ बाय 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 बाय। चलो दादा हम अभी गुड़िया को ले लिया और अभी ये देखो स्टेशन पहुंच चुके हैं हम। गाइस दीदी के रूम से ना स्टेशन सिर्फ 10 या 5 ये फर्क है। सौरभ मिस्टर गए हैं टिकट लाने के लिए और अभी मैं इधर हूँ। ये देखो सामान है ना, सामान की सिक्योरिटी बनकर अभी मैं खड़े हूँ। तो मिस्टर आने के बाद ही हम प्लेटफॉर्म में जाएंगे, मिस्टर आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म में जाना है। और ये देखो ये सब ट्रेन से उतरा हुआ लोग है, अभी घर जा रही है शायद, और इधर हमारा सामान है। ये देखो मिस्टर जाएगी लिफ्ट से और मैं जाऊँगी सीढ़ी से, क्योंकि गुड़िया है साथ में। एक्चुअली मुझे गाइस चक्कर आते हैं इसलिए लिफ्ट में नहीं जाऊंगी, तो सीढ़ी से जा रही हूँ गुड़िया को लेकर।
तो गाइस मैं तो पहुंच गया हूँ लेकिन मिस्टर अभी तक नहीं पहुंचा है। ये देखो आ गया। नहीं पहले पहुंच गया। साइड से मत जाओ, मिडल से जाओ। गाइस ये देखो अभी हमें पता नहीं चला कि कितने नंबर प्लेटफॉर्म में बोरपेटा रोड जाने की ट्रेन आएगी, तो इसीलिए हम ऊपर से ही वेट कर रहे हैं। ट्रेन इधर से लगेगी गाइस, नी बोंगाईगांव से ही गुवाहाटी तक ही है ये ट्रेन, तो इसी साइड से ट्रेन लगेगी। तो देखते हैं कितने नंबर प्लेटफॉर्म में आते हैं, फिर हम नीचे इधर से देखने के बाद ही जाएंगे। और इधर देखो मिस्टर सौरभ देख रही है कि ट्रेन कितने नंबर प्लेटफॉर्म में आएगी। ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म है। ट्रेन आ रही है, ये देखो सामने, जल्दी उठना पड़ेगा। ये देखो गाइस ट्रेन आ गया, बाबा जल्दी से बना। अभी घर जाना है, हाँ बोरपेटा रोड जाएंगे। हाँ बोरपेटा रोड आ गया। हाँ आ गया। मत सोना ठीक है। तो गाइस बोरपेटा रोड अभी आ चुके हैं और अभी हम उतरेंगे। हमारा जो सामान है तो बाहर के साइड ले गए हैं हस्बैंड। चलो आप लोग को ना दिखाते हैं सामान को। तो गाइस बोरपेटा रोड आ चुके हैं और मिस्टर सामने है, सामान भी सामने है, जल्दी जाना पड़ेगा गाइस क्योंकि ज़्यादा टाइम रुकने वाला है नहीं। तो ये देखो स्टेशन की हालत है गाइस, ये ट्रेन स्टार्ट होते हैं गुवाहाटी तक जाती है। और ये देखो बोरपेटा रोड में कितने सारे पेशेंट उतरी है, सारे पेशेंट ये ट्रेन की है, बोहागी ट्रेन कहते हैं इसको। तो अभी ना हम ई रिक्शा से जाएंगे और हमारे घर की लोग पता नहीं कितने एक्साइटेड में है हमारे गुड़ियों को देखने के लिए। तो अभी सौरभ के पापा ना मिठाई लाने के लिए गए हैं क्योंकि घर में है दादी माँ, घर के सभी के लिए मिठाई लाने के लिए गए हैं। A few moments later. गाइस आज की ब्लॉग इतना ही है, अगर ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए है लाइक कमेंट शेयर कर देना। आज के लिए बाय बाय।